मॉनसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला हमीरपुर में प्राकृतिक आपदा और अन्य आपात परिस्थितियों से बचाव एवं राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित विभागों के आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश उपायुक्त हमीरपुर ने दे दिए हैं। उपायुक्त देवश्वेता वणिक ने बताया कि मॉनसून सीजन की तैयारियों के संबंध में वर्चुअल बैठक में सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नदौन और सुजानपुर के साथ बहती ब्यास नदी होने पर ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। इस संबंध में उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि बरसात के समय में अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे को जिला की प्रमुख सड़कों पर भूस्खलन की आशंका वाले स्थान चिन्हित करने तथा पर्याप्त मशीनरी तैयार रखने को भी कहा गया है। सड़क के किनारे बंद पड़ी नालियों और अवरुद्ध नालों को भी तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून जो सीजन है, हमारी वर्षा का मौसम, वो लगभग हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत करीब आ चुका है। बरसातें काफी समय से जो है थोड़ी थोड़ी हो रही थी, पर अब जो है काफी अच्छे से शुरू हो चुकी है। क्योंकि प्रिपेयर्डनेस को लेकर जो विभिन्न विभाग हैं संबंधित, उनके साथ एक बैठक जो है वो वर्चुअल माध्यम से संपन्न की है, और सभी विभाग जो है इन कुछ जो अहम कार्य होते हैं मानसून की प्रिपेयर्डनेस के लिए उनमें जुटे हुए हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे नदी नाले हैं, जो जहां जहां पे फ्लडिंग की ऐसी कोई संभावना हो सकती है, सबसे पहले उसमें करेक्टिव एक्शन जो है या तैयारी उसमें होनी जरूरी होती है। जहां जहां हमारे ब्यास नदी के नजदीक या किनारे पड़ते हुए क्षेत्र हैं, जैसे नदौन और सुजानपुर सब डिविजन है, वहां पे जो कंसर्न पीडब्ल्यूडी विभाग या एनएच या लोकल पंचायत और एसडीएम्स को भी डायरेक्शन दी गई है कि वहां पे लोग अक्सर देखे जाते हैं कि रिवर बेड के आसपास चले जाते हैं, वहां पे अपने वैसे घूमने चले जाते हैं या वैसे कोई और कार्यों के लिए, तो उनको पूरी तरह से डिस्करेज किया जाए, उनको समय समय पे जो है जागरूक किया जाए। और इसके अलावा जहां जहां हमारे पुल हैं या कलवर्ट्स हैं या इस तरह के नाले हैं बड़े पीडब्ल्यूडी या एनएच के रोड्स के आसपास, जहां पे बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा होने से प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह के लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करके उन नालों को क्लियर करने के डायरेक्शंस भी जो है इन कंसर्न एजेंसीज को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों में नालियों की सफाई का जिम्मा नगर निकायों का दे दिया गया है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि कोई व्यक्ति नाले या खड्डों के किनारे भवन निर्माण ना करे, क्योंकि बरसात के समय में इससे दिक्कतें बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि जिला में आपातकालीन संचालन केंद्र हमेशा की तरह 24 घंटे क्रियाशील रहेगा तथा इसके टोल फ्री नंबर 1077 पर किसी भी समय आपदा की सूचना दी जा सकती है। अहम चीज जो अक्सर हमारे म्युनिसिपल एरियाज या थोड़े कंजेशन जहां पे होती है, नजदीक घर होते हैं, उन लोकेशंस में आती है कि लोगों ने अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन रेज करी होती है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन के थ्रू या पुराने किसी कलवर्ट या नाले को जो है किसी तरह से वो ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो ऐसे सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के निर्देश हमने एमसीज को दिए हैं, और हम लोगों से भी आह्वान थोड़ा सा करना चाहेंगे कि किसी ने अगर हाल ही में कोई कंस्ट्रक्शंस की हो, जरूर ध्यान से देख ले, चेक कर ले कि कहीं आपके कंस्ट्रक्शन से कोई पुराने समय का कोई नाला या ड्रेन या इस तरह के कोई छोटे पानी का चैनल जो है वो रुक तो नहीं रहा, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी ब्लॉकेजेस से जो है आगे को बरसात के मौसम में आपको या आपके आसपास रहने वाले लोगों को जो है बहुत दिक्कत आ सकती है फ्लडिंग की। तो इस तरह के कई इश्यूज जो है बार बार उठते हैं, उन्हीं के तहत जो है विभागों को इसके लिए प्रिपेयर्डनेस के आदेश दिए हैं। जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की हेल्पलाइन नंबर है वो 24 घंटे ऑपरेशनल है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में खतरनाक पेड़ों को चिन्हित करके इन्हें तुरंत हटाने के निर्देश एसडीएम, वन विभाग, वन निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मॉनसून सीजन में पेयजल स्रोतों में मलबा आने और पानी के प्रदूषित होने की आशंका रहती है। इसके मद्देनजर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी पेयजल स्रोतों की सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं, और फॉरेस्ट विभाग को भी आदेश दिए हैं कि जहां जहां परमिशंस दी गई हैं, जहां जहां बहुत डेंजरस पेड़ या सूखे पेड़ हैं
कहीं हमारे सड़कों के पास या कहीं इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो है इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह है उनके आसपास हैं, उनको भी समय पे जो है कांट छांट कर लें या जिसको गिराना है उनको गिरा दें ताकि जरूरत के समय पे जो है इस तरह की सर्विसेज में बाधा उत्पन्न ना हो। और साथ ही जितने विभाग हैं और हमारे खुद के जो स्टोर रूम्स हैं जहां जहां पे डिजास्टर रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो पड़ी हुई है सबके पास, उनकी भी रिपेयर मेंटेनेंस जहां पे जरूरत है उसकी ट्रायल्स जो है वो करने के लिए कही गई हैं ताकि हम सब जो है सारे विभाग क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए तत्पर रहें और ऐसी कोई भी आपदा की स्थिति जो है ये हमारे आने वाले मानसून सीजन में आती है तो उसके लिए सब पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं।